नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम अवकल समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो राज्य बोर्ड में पिछले वर्षों में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। जिनमें पहला प्रश्न हमने लिया है, यदि y बराबर a sin x plus b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y by dx square plus y बराबर 0 होगा। आपको क्या लगता है, क्या करना होगा इस प्रश्न में? यहाँ पे d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इस y का क्या करना होगा, दो बार अवकलन करना पड़ेगा। और दो बार अवकलन क्यों कर रहे हैं हम? इस वजह से कि d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास दो प्राचल आ रहे हैं a और b। इन दोनों प्राचलों की वजह से, इन दोनों प्राचलों को हटाने के लिए हम यहाँ पे दो बार इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार अवकलन करने पर क्या मिलेगा? तो इसका जब हम एक बार अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy by dx बराबर, a कांस्टेंट है, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, प्लस b cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x। तो ये क्या आएगा, a cos x माइनस b sin x, राइट? इसका आप दोबारा अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन करने पर मिलेगा d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये होगा a एज इट इज होगा cos x का अवकलन माइनस sin x माइनस b sin x का अवकलन cos x, राइट? अब हमें सिद्ध क्या करना है, d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा और हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस a sin x माइनस बी कॉस एक्स। ठीक, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसका मान था, वाई का। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस वाई के बराबर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई के बराबर आया। तो यहां से आपको ये ही नहीं मिल जाएगा, आप ये देखिए डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं प्लस वाई बराबर 0, और यही तो हमें सिद्ध करना था, राइट? तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकाला और यहाँ पे उसका मान रख के ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, वक्रों के कुल वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी में ए बी स्वच्छ अचर है को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, अवकल समीकरण निकालनी है। अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, आप जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्वच्छ अचर होते हैं हमें समीकरण को उतनी बार अवकलित करके उन स्वच्छ अचरों को हटाना होता है और फिर हमें जो समीकरण मिलती है वो हमारी अवकल समीकरण होती है, राइट? तो यहाँ पे हमें समीकरण क्या दी है, वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी, राइट? और इसमें कितने स्वच्छ अचर है, ए और बी। तो इनको हम दो बार अवकलन करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए, ऐसा कैसा आएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस बी। और फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो दूसरी बार अवकलन क्या आएगा, dy by dx का हो जाएगा d2y by dx square
बराबर माइनस ए, और साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, राइट। अब हमें क्या करना है, यहां से ए और बी को हटाना है। ए और बी को कैसे हटा सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये पूरा ए कॉस एक्स प्लस बी क्या बन रहा है, वाई के बराबर मिल रहा है, तो हम इसे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपना आंसर यहां छोड़ दो, और चाहे तो अवकल समीकरण के रूप में आप इसे दे सकते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल्स टू में माइनस वाई था, आप चाहे तो इसे प्लस वाई बराबर जीरो के रूप में इसकी समीकरण देके इसका उत्तर दे सकते हैं, राइट। हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे कितनी बार अवकलन करना है, जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी बार किसी समीकरण का अवकलन करके आप यहाँ पे अवकल समीकरण दे सकते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको इस दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है। आपने अभी तक अवकल समीकरण के हल के कौन कौन सी विधियां पढ़ी है, पहली विधि आपने पढ़ रखी है पृथक्करण विधि। पृथक्करणीय विधि में क्या होता है, नाम से क्लियर है कि आपको पृथक करने होते हैं सारे चर, मतलब एक्स डी एक्स के जो अवकलज, एक्स का जो अवकलज है उसके साथ एक्स का फलन लेते हैं आप, और वाई के अवकलज के साथ वाई का फलन लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे ये संभव है कि हम यहाँ पे पृथक करणीय विधि का प्रयोग कर सकें, यहाँ पे इनके चर अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ नहीं हो पाएंगे, आप करके देख लीजिए। ये है एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का टू वाई है, पहले हमें इसको इसके साथ लेना होगा तभी हम इसको हटा पाएंगे। अब इस साइड तो आ गया एक्स डी वाई, और इस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, और ये डी एक्स। क्या आपको लग रहा है कि हम और कोई अरेंजमेंट करके इस डी एक्स के साथ एक्स वाले पद और इस डी वाई के साथ वाई वाले पद ले जाए, ऐसा तो संभव हो ही नहीं रहा है। तो मतलब पृथक करणीय विधि से ये प्रश्न हल नहीं होगा। इसके बाद थी समघातीय अवकल समीकरण विधि। समघातीय अवकल समीकरण में क्या था, जो ये अवकल समीकरण दे रखी थी इसके चर समान घात के होते थे, क्या यहाँ पे इसके चर समान घात के थे, खड़े यहाँ पे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये समान घात के नहीं है, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो ये भी यहाँ पे काम नहीं करेगी। तीसरी आपने पढ़ी थी रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में क्या होता था, आपको कोई भी अवकल समीकरण डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स का फलन गुणा वाई बराबर एक्स का फलन, इस रूप में आपको एक समीकरण चाहिए जिसका हल आप कर सकते हो। क्या ये वाली समीकरण इस रूप में लिखी जा सकती है, यहाँ पे अगर हम इस डी वाई बाय डी एक्स को फ्री करें सबसे पहले, तो आप देखेंगे डी वाई बाय डी एक्स को फ्री करने के लिए एक्स से भाग करना पड़ेगा, एक्स से भाग करके ये होगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स, तो ये टू अपॉन एक्स एक्स का फलन बन गया, इसको हम पी एक्स बोल पाएंगे, और ये एक्स खुद ही एक्स का फलन है तो इसको क्यू एक्स बोल पाएंगे। मतलब यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण की विधि काम कर जाएगी, राइट। तो जब भी आपके पास कोई अवकल समीकरण हल करने के लिए आती है तो आपको यही देखना होता है कि हम किस विधि का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप तीनों के बारे में सोचा तो हमें पता चला कि यहाँ पे अवकल समीकरण की विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई बराबर एक्स। इधर आपको पहले निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होता है, ई की घात समाकलन पी डी एक्स, और पी क्या होता है, पी होता है ये जो वाई के साथ एक्स का फलन होता है उसको कहेंगे हम पी। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि हमने जो पी का मान लिया है वो है टू अपॉन एक्स, और जो क्यू का मान लिया है वो है एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की घात समाकलन पी डी एक्स बराबर ई की घात समाकलन टू अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं ई की घात टू को बाहर ले लेंगे, और समाकलन वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है बताइए, बहुत बार कर चुके हैं,
ये होता है log x के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log x, ये तो आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अब हम लिखेंगे समीकरण का व्यापक हल। समीकरण का व्यापक हल किस प्रकार से देते हैं, याद है आपको, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ऐसा ही देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है e की घात 2 log x बराबर समाकलन q का मान है x, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है e की घात 2 log x dx प्लस c, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम y गुना e की घात log x स्क्वायर, क्योंकि log के आगे कुछ होता है तो इसकी घात में जा सकता है, बराबर ऐसा ही यहाँ पे करेंगे e की घात log x स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ पे e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो इसका मान आएगा y x स्क्वायर बराबर समाकलन x इंटू, इसके लिए आ जाएगा x स्क्वायर dx, इसको आप लिखेंगे x स्क्वायर y बराबर x की घात 3 हो जाएगा, x की घात 3 का समाकलन होता है x की घात 4 बटा 4 प्लस c, राइट। अवकल समीकरण डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बराबर 0 की कोटि है। यहाँ आपको इस समीकरण की कोटि बतानी है, बताइए इसकी कोटि क्या होगी, 0, 1, 2 या 3? कोटि क्या होती है, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि होती है कि उसमें अवकलज की संख्या कितनी है। यहाँ पे उच्चतम अवकलज की संख्या कितनी है, 2 है ना, तो ये 2 कोटि का अवकल समीकरण है। यहाँ पे जिसे y रहा होगा, y का एक बार अवकलन किया तो dy by dx आया, फिर इसका दोबारा अवकलन किया तो d2y by dx square। तो पहले यहाँ पे एक बार अवकलन, फिर यहाँ पे दूसरी बार अवकलन, तो कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 2 है। तो फिर घात क्या होती है, अगर कोटि होती है तो घात होती है किसी भी उच्चतम कोटि वाले अवकलज की ये वाली घात। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है उच्चतम कोटि का अवकलज है, इसमें कितनी पावर है, 1 है, इसकी घात कितनी है, 1 है। अगर इसकी घात 1 है तो इस पूरी अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 1 होगी। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि अवकल समीकरण की कोटि व घात है, अगर इसमें घात भी पूछ लिया जाता और यहाँ पे इसके कॉमा करके कुछ भी दे दिया जाता तो 2 के साथ यहाँ पे 1 आता, क्योंकि इसकी कोटि 2 है और घात कितनी है, 1 है, ठीक है। अवकल समीकरण dy by dx बराबर e की घात x plus y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको इस अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है। आप जानते हैं किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला बताया था पृथक्करणीय विधि, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पृथक्करणीय विधि से हो जाएगा। पृथक्करणीय विधि में क्या करते हैं, कोई भी अवकल समीकरण आपको दी है तो उसमें dy और dx को अलग अलग कर लिया जाता है, और dy के साथ y का फलन आता है और dx के साथ x का फलन आता है, राइट। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि e की घात x प्लस वाई था, इसको हमने तोड़ लिया e की घात x इंटू e की घात y में, राइट। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं dy बराबर e की घात x इंटू e की घात y और dx कह सकते हैं, और इस dy के साथ आपको y का फलन चाहिए, ये x का फलन है लेकिन ये y का फलन है, ये हमें इस dy के साथ चाहिए, तो इसको हम ऐसा लिख दें e की घात माइनस y dy बराबर e की घात x dx, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये जब पृथक हो गए, जब ये चर और उसके अवकलज पृथक पृथक हो गए
तो दिया गया अवकल समीकरण पृथक्करणीय विधि से हल किया जा सकता है। और जब इसमें पृथक्करणीय विधि लग रही है तो हमें किसी और विधि के लिए सोचना ही नहीं है, सीधा पृथक्करणीय विधि लगानी है और इसको हल कर देना है। ठीक है, तो अब पृथक्करणीय विधि से इसको हल कैसे करेंगे? जब इसको पृथक कर लिया तो अब हमें इन दोनों और समाकलन करना है। दोनों और समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। दोनों और समाकलन करने पर ये होगा समाकलन e की घात माइनस वाई डी वाई बराबर समाकलन e की घात x डी एक्स। इसका समाकलन आएगा e की घात माइनस वाई अपॉन माइनस वन और ये आएगा e की घात x, ठीक है, प्लस c। एक कांस्टेंट भी चाहिए तो प्लस c आ गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर देंगे, ये माइनस का वन है तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई बराबर e की घात x प्लस c, और इसको हम लिख सकते हैं e की घात x प्लस e की घात माइनस वाई प्लस c बराबर जीरो। तो ये हमें इस अवकल समीकरण का व्यापक हल मिला है। ठीक है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई बराबर जीरो समघातीय है और इसे हल कीजिए। इस दी गई समीकरण को समघातीय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए, याद है आपको? किसी भी समीकरण को समघातीय की कोई भी समीकरण समघातीय है या नहीं इसकी जांच करने के लिए आपको x को बदलना होता था लेमडा x से और y को बदलना होता था लेमडा y से। तब उस समीकरण में आपको जो समीकरण दे रखी है एफ एक्स वाई बराबर जीरो, इसमें जब आपने x को लेमडा x और y को लेमडा y से बदला तो आपको जो समीकरण मिलेगी वो लेमडा की घात n एफ एक्स वाई के रूप में ही मिलनी चाहिए। मतलब वो समीकरण ऐसी की ऐसी रहेगी और लैम्डा की घात n यहाँ पे आ जाएगा। जब आपको ये समीकरण वापस इसी रूप में मिल जाए तो मतलब समीकरण समघातीय है अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में कहा है कि दर्शाइए कि समीकरण समघातीय है। पहले तो आपको दर्शाना पड़ेगा कि ये समघातीय है। तो समघातीय दर्शाने के लिए आप लिखेंगे पहले वो समीकरण जो दी हुई है। दी गई समीकरण एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई बराबर जीरो, ये है। अब आपको यहाँ पे x को लेमडा x से बदलना है और y को लेमडा y से बदलना है। तो इनको बदलने के बाद आपको ये समीकरण क्या मिलेगी? इस x को आपने लिखा लेमडा x होल स्क्वायर माइनस y को लिखा लेमडा y होल स्क्वायर और ये dx प्लस टू, इस x को आप लिखेंगे लेमडा x और इस y को लेमडा y dy बराबर जीरो। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इधर लेमडा स्क्वायर आ रहा है, इधर भी लेमडा स्क्वायर आ रहा है और इधर से लेमडा और इधर से लेमडा मिलकर इस पूरे पद में से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इस पूरे में से आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बताइए कि अंदर क्या बचेगा। आप देखेंगे कि यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर, यहां से लैम्डा स्क्वायर बचा तो बचा माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू, इस लैम्डा और इस लैम्डा को निकाल लिया तो यहाँ बचा एक्स वाई डी वाई बराबर जीरो, राइट। आप देख रहे हैं कि ये पूरी समीकरण वैसी की वैसी आ गई जो एफ एक्स वाई थी और यहाँ पे लैम्डा की घात दो, हमें क्या चाहिए था लैम्डा की घात एन, यहाँ पे लैम्डा की घात दो कॉमन आ गया तो ये इसने इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर दिया, राइट। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं बराबर लैम्डा की घात दो एफ एक्स वाई, है ना। अतः दी गई अवकल समीकरण समघातीय है, राइट। अब ये तो सिद्ध हो गया कि ये समघातीय है, अब इसका हल भी तो करना पड़ेगा। तो किसी समघातीय समीकरण का हल कैसे करते हैं बताइए।
आपको याद होगा कि कोई भी हमें समघातीय समीकरण दी जाती थी तो उसमें हम y बराबर vx रखते थे, फिर इसका समाकलन करते हैं dy by dx बराबर v plus x dv by dx, और फिर उस समीकरण में हम ये y और dy के मान रख देते हैं। जैसे कि ये समीकरण है, इसमें पहले हम इसको dy by dx बना लेंगे और जहां जहां y है वहां वहां vx लिखेंगे, और जहां पे dy by dx होगा वहां पे ये वाला मान लिख देंगे। फिर उसके बाद वो पृथक्करणीय विधि से बड़े ही आराम से हल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए समघातीय विधि से समीकरण को हल करना शुरू करते हैं। y बराबर रखेंगे vx, तो यहां से dy by dx बराबर आएगा v plus x dv by dx। ये मान आप यहां रखेंगे तो समीकरण है x square minus y square, y square की जगह क्या आएगा v square x square plus 2xy, इस y की जगह भी क्या आएगा vx, और dy by dx की जगह आएगा v plus x dv by dx बराबर 0। ये स्टेप मैंने एक डायरेक्ट किया है, शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे आ गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, dx है ना। पूरी समीकरण को अगर मैं dx से भाग कर दूं तो ये क्या आएगा x square minus y square, ये dx हट जाएगा plus 2xy, और ये आ जाएगा dy by dx बराबर 0, राइट। तो ये समीकरण बना के हमने इस y और इस y की जगह पर vx रख दिया और dy by dx की जगह पर ये वाला मान रख दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और हल करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x square minus v square x square plus 2v x square, लिख सकते हैं इसको v plus x dv by dx बराबर 0। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर कॉमन आया तो v स्क्वायर प्लस 2v को अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 2v स्क्वायर प्लस 2v x dv by dx बराबर 0। ठीक है, तो ये वाली समीकरण आपकी ऐसे भी लिखी जा सकती है, 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स डी वी बाय डी एक्स बराबर 0, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर से अगर भाग कर देंगे तो 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पृथक्करणीय विधि लगानी है, उसके लिए पहले ये जो डी वी बाय डी एक्स वाला पद है इस पूरे को हमें, ये पूरा हमें दाएं पक्ष में चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर बराबर माइनस 2 वी एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, अब v वाले पद अलग करने हैं और x वाले अलग करने हैं। जब हम यहाँ पे x और v वाले पद अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ हमने लिखा डी एक्स और यहाँ हमने लिखा डी वी। ठीक है, दोनों के पद अलग करेंगे, शुरुआत करते हैं डी वी से। डी वी यहाँ पे है, इसके साथ है माइनस 2 वी, ठीक है इसको यहीं पे छोड़ेंगे माइनस 2 वी को, और ये पूरा पद v का है, ये चाहिए हमें इस वाले v के पास। तो एक तरीके से अगर हम इसका स्थान बदल दें तो यहाँ पे इसको भाग किया जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो x है गुणा में है, इसको अगर हम स्थान चेंज करेंगे इसका तो ये आएगा 1 अपॉन x, और आप देख रहे हैं माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का वी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा इसको हल करने के लिए। जब भी इस प्रकार से पृथक हो जाते हैं कोई चर, फिर दोनों पक्षों का आप समाकलन करते हैं और उसके बाद उसका हल हमें मिल जाता है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें मिलेगा log x बराबर, आप यहाँ पे देख रहे हैं हर का अवकलन हमें अंश में मिल रहा है, तो इसका समाकलन होगा माइनस, माइनस को छोड़ देंगे, इसका अवकलन होगा 2v, तो ये हमें ऊपर मिल रहा है, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, और हम यहाँ पे कांस्टेंट भी लॉग में ले सकते हैं तो ये हो जाएगा लॉग c। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और हल करेंगे तो लॉग वाले एक साइड आ जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर लॉग c,
लॉग की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए गुणा बी, तो एक्स गुणा वन प्लस वी स्क्वायर बराबर लॉग सी हो जाएगा। दोनों की तुलना करेंगे, हमने यहाँ पे कांस्टेंट भी लॉग में इसलिए लिया था जिससे कि लॉग कैंसिल हो सके, इन लॉग को छोड़ देंगे हम इन लॉग को कैंसिल करके यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वन प्लस वी स्क्वायर बराबर सी। अब v का मान हम यहाँ पे वापस रखेंगे तो ये हो जाएगा x 1 प्लस हमने रखा था y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से v का मान आएगा y अपॉन x, तो इधर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर c। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c, ठीक है, तो ये आएगा इसका